Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The great viewers, welcome to program Live with Vijay Kamyana. आज इस प्रोग्राम 2019 का आगाज हो चुका, 2018 को हमने खुदाफिज कहा, 2019 का इस्तकबाल जो हमने किया वो बड़ी नेक ख्वाहिशात के साथ किया और बड़े जब मिडनाइट सन सेट हो रहा था, जब 2018 का सूर्य गुरूब हो रहा था तो बड़े जश्न मनाए, पूरी दुनिया ने उसको 2019 को वेलकम कहा। 2019 का आगाज हुआ, आज 20 है जनवरी 2019 की और इसका आगाज एक शेर से करूंगा। दिल टूटा हुआ है, दिल अफसरदा है, आंखों में आंसू है, एक बहुत बड़ा सालिया मेरी आबाई शहर प्री टाउन साहिवाल से चंद किलोमीटर के फासले पर कादराबाद जो अड्डे पे खून की होली खेली गई, सरकारी इदारों के गनरों ने, बड़े एक्सपर्ट्स ने दहशतगर्द मारने का दावा करने वालों के हाथों जो एक खून की बिल्कुल नदियां बह गईं, चराग बुझ गए, मासूम बच्चों की आंखों में खून के आंसू हैं, पूरा पाकिस्तान रो रहा है। इस पे नौहा करने से पहले एक शेर सुन लीजिए। गर खुशी दिल को हुई साथ ही गम आया, गर खुशी दिल को हुई साथ ही गम आया, 2019 आया तो मैं ये समझा कि मुहर्रम आया। शेर तो कुछ यूं था कि ईद आई तो मैं ये समझा कि मुहर्रम आया, 2019 कहीं रोशनियां लेके आया है, कहीं बहुत बड़ी उम्मीदें लेके आया है। न जाने पाकिस्तान की किस्मत को क्या हो गया है, हमारी मईशत जो है वो तगरबों और जबों हाली का शिकार हो रही है, उसके लिए हम दुआगो हैं। नई हुकूमत आ चुकी है, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े अज्म और वलोले के साथ अपना हल्फ उठा चुके हैं, ये क्या होने जा रहा है हमारे साथ। आइए हम इसको कादराबाद जो अड्डा है कोई 6-7 किलोमीटर, 5-6-7 किलोमीटर साहिवाल से, शॉर्टर टू साहिवाल, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन आइए हम आपको एक लंदन के ट्यूब स्टेशन पे लिए चलते हैं, जहां एक नौजवान ब्राजीलियन स्टूडेंट जो घर से जो एक देहात ब्राजील के एक देहात से पढ़ने आया, लंदन में पढ़ने आया, पता नहीं किस कसम कुर्सी के आलम में उसके वालदेन ने उसको लंदन भेजा। वो सुबह निकलता था भूखा प्यासा, कभी सैंडविच खाया, कभी कुछ खाया, कभी कुछ ना खाया, लेकिन भागम दौड़ गरीब वालदेन की आस लिए वो लंदन पढ़ने आया। उसके साथ क्या हुआ, लंदन पुलिस ने क्या किया, बड़ा मारूफ, बहुत अफसोसनाक, एक अंदोहनाक वाक्य ये हुआ कि चूंकि लंदन के ट्यूब स्टेशन पे एक टेररिस्ट अटैक हो चुका था, तो ये न जाने ये पुलिस पंजाब की हो, सिंध की हो, यूरोप की हो, अमेरिका की हो, कनाडा की हो, जहां की भी हो, पता नहीं इसकी इसके खमीर में ही रहम नहीं है, वहशत है, दहशत है, मारपीट है, उल्टा लटका दो, मार दो, उड़ा दो, हर एक को मुजरम गिरदान देना, न जाने इसके खमीर में है। और ये किन लोगों ने इसके अंदर भर दिया, ट्रेनिंग क्या है इनकी, वो सिपाही हो, पुलिस चीफ हो, पुलिस कमिश्नर हो, यहां का हो, वहां का हो, यूरोप का हो, जहां का भी हो, दुनिया का जहां का भी हो, ना जाने उसके अपने अंदर कोई रहम नामी चीज नहीं है, उसका दिल नहीं है, उसने मरना नहीं है, इन्होंने मरना नहीं है, ये मार धाड़ उल्टा लटका दो, सीधा लटका दो, मुर्गा बना दो, मंजी लगा दो, कुछ लगा दो और फिर बिलाखर किनारे लगा दो। वो बच्चा जिसका नाम जॉन चार्ल्स डिसल्वा और ब्राजीलियन था, 1978 में पैदा हुआ, वालदेन ने लंदन पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ने गया और फिर उस दुनिया में चला गया जहां से कोई लौट के नहीं आता। क्या हुआ हम आपको एक झलक उसकी दिखाते हैं, सुनाते हैं। वो बच्चा सुबह घर से निकला, अपनी फ्लैट से निकला, भागम दौड़ ट्यूब स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन पकड़ी, ट्रेन स्टेशन से जो ही उतरा तो उसके पीछे जालिम वहां के बरतानवी, जिसका सूरज कभी दुनिया में कहते थे गुरूब ही नहीं होता, लेकिन वहां की पुलिस ने क्या किया उसके साथ। वो बच्चा भागम दौड़ जब एक ट्रेन से उतर के ट्रेन स्टेशन से एग्जिट करने लगा और उसने वहां से बस पकड़ी थी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए,
तो वहां भी सीटीटी वाले शायद पहुंच गए, वहां भी जालम पुलिस वाले पहुंच गए और उन्होंने उसको कुछ नहीं होमवर्क किया, कख नहीं देखा, उन्होंने बस एक भागते हुए मासूम बच्चे को जो अपनी क्लास में पहुंचना चाहता था, जो अपने वालदैन की आंखों का तारा था और जो अपने आंखों में फ्यूचर के ख्वाब लिए रेलवे स्टेशन पे दौड़ रहा था बस पकड़ने के लिए, फिर उसको मौत ने आगोश में ले लिया और वहां की जो एंटी टेररिस्ट फोर्स जो है, अंधी फोर्स जो है, उसने अंधी को इतनी मारी कि वो ब्राजीलियन गरीब बच्चा वो खून में हरा गया। लेकिन नाज़रीन क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं और आप इस वक्त अपने मेजबान यकूब जावेद कमैनस के साथ डीएनएन के स्टूडियो से ये प्रोग्राम लाइव विद वाईजे का मैं देख रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक्य हम आपको रेफरेंस देने, बेशुमार वाक्यात हैं। क्या हुआ, कौमें इस तरह जिंदा दिल होती हैं। यहां रेमंड डेविस ने इंसानों को सरे बाजार दिन दिहाड़े मारा और ये जा वो जा और लाशें सड़क पे तड़पती रहीं। हमने खुदा उसको खुद प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान से भगा दिया। इसी एक और रेफरेंस, जरूरी नहीं कि कोई खून का जय, इदारों का खून करने वाले, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का खून करने वाला जर्मन हिल्डन ब्रांड जो था, वो यहां सारी एयरलाइन को तबाह करने के बाद क्या हुआ, यहां से भगा दिया गया। तो जनाब ब्राजीलियन हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने उसी वक्त बरतानी एम्बेसडर को चलता किया और इमीडिएटली लीव के ऑर्डर हाथ में थमाए, अपना एम्बेसडर वापस बुलाया और बरतानिया के साथ बरतानिया को खूंखार आंखों से घूरना शुरू कर दिया। बरतानवी हुकूमत ने माफी मांगी और ब्राजीलियन हुकूमत ने ठुट पे लिख दी सॉरी। सारे खानदान, उस जो बच्चा मर गया था जिसको गोलियों का शिकार बना दिया गया और उसके वालदेन को सिटीजनशिप, बरतानवी सिटीजनशिप की ऑफर दी गई, उन्होंने ठोकर मार दी। उन्होंने कहा हम थूकते हैं तुम्हारी सिटीजनशिप पे, हम आपके पौनों के ऊपर थूकते हैं। बड़े अरसे तक ड्यूअल चलती रही और फिर बड़ी मुश्किलों के बाद ये पैचअप हुआ। वर्ल्ड लेवल पे जो एम्पायर्स थे उन्होंने आके बरतानिया को ये बावर करवाया कि वो माफी मांगे, कंपनसेशन बाद की बात है, और फिर ऐसा ही हुआ, कौमें इस तरह बनती हैं। नाज़रीन बेशुमार वाकयात हैं। आप कहते गुलशन डाबी में पुलिस मुकाबला जाली था, असली था, खानदान तबाह हो गया, मर गया और उसमें नामजद मुलजम किसको बनाया गया, शहबाज शरीफ उस वक्त के वजीर आला को, बड़ी मुश्किल से उनकी जान छूटी। फिर 12 मई का वाकया कराची में सरे आम दिन दिहाड़े इंसानों का खून कर दिया गया और उस वक्त जनाब सदर मोहतरम चीफ माशाल्लाह फलां फलां पांच टोपियों वाली सरकार और जनरल मुशर्रफ साहब, उन्होंने कहा इस तरह का होता है, इस तरह ऐसे तो होता है, इस तरह के कामों में ये शो ऑफ तो करने पड़ते हैं। क्या हुआ, कराची में फैक्ट्री जला दी गई, इंसान जला दिए गए, 400 लोग नहीं, खानदान, क्या खानदान, कितने खानदान उजाड़ दिए गए, रुल गए, भस्म कर दिए गए, ऐश बना दी गई। मॉडल टाउन का वाकया, मॉडल टाउन के वाकये ने सारी दुनिया को हिला दिया। बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं। लेकिन ये इस वाकये ने जो कल कादराबाद में हुआ, कादराबाद का नाम लेते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सारी रात ग्रेफियर्स नाज़रीन, मैं नहीं, आप सब 21 करोड़ अवाम और दुनिया के तमाम वालदैन, तमाम वो स्कूलों के बच्चे, तमाम जीरो जो जिनके दिल धड़कते हैं इंसानियत के लिए, वो रात से खून के आंसू बहा रहे हैं। हम जेआईटी बनाते रहेंगे, हम इंक्वायरियां करते रहेंगे। मैं क्या कहूं, उस मेरे आबाई शहर थ्री टाउन साहिबाल से चंद किलोमीटर के फासले पे ये हादसा क्या हुआ, शर्म से गर्दन झुक गई, रात से आंसू हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। जहां जाता हूं, जहां देखता हूं, कॉल की साहिबाल इधर उधर हर जगह लोग जारों कतार रो रहे हैं और बद दुआएं दे रहे हैं। और मेरी तो ये जो मासूम बच्चे जा रहे थे, इस पे क्या किया जाए, क्या कहा जाए। आइए हम आपको इस बात को लेके चलते हैं कि सीटीडीसी
जो भी वो वाहियात इदारा है जो कहता है कि ये दहशतगर्द थे, आल्टो गाड़ी तो एक लिफाफा है, वो तो अगर उसको सीटीडीसी वाले एक वैसे ही खूंखार आंखों से देखें तो उठ जाएगी। वो C-130 नहीं थी, वो एक्सपीडिशन नहीं थी, वो BMW नहीं थी, वो एक छोटा सा नन्ना सा चूजा सा चूजा नमा गाड़ी है, सब जानते हैं। फिर कहते हैं कि ये दहशतगर्द जो है वो लाहौर से चले, चुंगी अमर सदू से चले, चुंगी अमर सदू भी मेरी लाहौर की रिहाइश से चंद किलोमीटर के फासले है, आना जाना रहता है, मैं अभी भी वहां से गुजर के आया हूं। एक हु कालम है, हंगामा चल रहा है, सहमे हुए लोग धाड़े मार रहे हैं। मैं अभी अपने बुजुर्गों की खैरियत पूछने गया तो वहां भी सब आंखों में आंसू लिए, जारो कतार रो रहे थे और नौहा कना थे, ये आहें ऊपर नहीं जाएंगी। इमरान खान वजीर आजम अभी फरमा रहे थे, रियासत मदीना का बहुत जिक्र करते हैं, दजला और फरास के कुत्ते का जिक्र करते हैं, खलीफा अव्वल के आकामात का जिक्र करते हैं, क्या हो गया? इस तरह कुछ नहीं होगा। यानी लाहौर से एक गाड़ी चलती है और हर चीज होमवर्क है। हम रोज सुनते हैं कि एजेंसियों ने इतला कर दी कि 5 दहशतगर्द लाहौर में दाखिल हो गए, हवाई अड्डे को अटैक करेंगे, फलां करेंगे, फलां करेंगे। तो नाजरीन, एक छोटी सी गाड़ी, आल्टो गाड़ी, उसमें 5 का कुनबा, नन्नी कोंपले, सोने कपड़े पहने हुए, सज धज के वो एक उनकी वालदा बैठी हुई है, सोने कपड़े पता नहीं कहां से लिए होंगे, कैसे उन्हें अफोर्ड किए होंगे, अपने बच्चे रो रो के जब खून उनके सामने जब गोलियां चला दी गई तो क्या करें, हम अपने चाचू की शादी पे जा रहे थे और उनके वालदैन कब्रस्तान चले गए। इस मुल्क की ये वाकया नाज़रीन, ये वाकया काबुल में नहीं हुआ, ये कंधार में नहीं हुआ, ये मैक्सिको में नहीं हुआ, ये अमेरिका के जंगी जहाजों ने नहीं मारा किसी को, वो मारते रहे, वो उन्होंने जितने बच्चे मारे वो जलील और रुस्वा होके जा रहे हैं यहां से, काबुल से निकलने के लिए वो पाकिस्तान के पांव पड़ रहे हैं। लेकिन ये यहां क्या किया गया, यहां तो अपने रहबरों ने थानों के बाहर लिखा हुआ होता है, पुलिस का है फर्ज हिफाजत आपकी, इज्जत आपकी, क्या कहें। और ये जो 25 फोर्सेस बना दी गई है हमारे खर्चे के ऊपर, हमारे पैसों के ऊपर बना दी गई है, हमारा खाते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, ये नन्हे मासूम बच्चे, इनके वालदैन चंद पैसे कमाते होंगे, वो बिलों में 25,000 टैक्सों की शक्ल में जाते हैं, इन सूरों की तनख्वाहों पे जाते हैं जिन्होंने आज बच्चे मार दिए, सारी रात नहीं सो सके हम, हर जब आंख लगने लगती थी सामने मासूम बच्चे कह रहे थे हमारे पापा को इन्होंने मार दिया, हमारे पापा कह रहे थे हमसे पैसे ले लो। नाज़रीन, अल्फाज नहीं निकल रहे, क्या कहें, बताइए। वो सुजुकी कार लाहौर से साहिवाल 160 किलोमीटर है और 155 किलोमीटर तक पाकिस्तान की टॉप लेवल की एजेंसियों को वो दहशतगर्द नजर नहीं आए, उनके पास डाटा है, हर चीज है, एवरीथिंग है, दहशतगर्दों के आबाओ अजदाद के भी उनके पास हैं। क्या ऐसे भी कोई होता है कि जब ये उनको पकड़ नहीं सकते थे जिंदा पकड़ लेते, सड़क पे जो कान पकड़ाते, थाने ले जाते, उठा के ले जाते, कोई है यारों, कोई मुंसिफ है कहां, उमर बिन खिताब को पुकारे, किसको पुकारे, किससे मुतालबा करें, किससे मुंसिफी चाहें, क्या वजीर आला पंजाब आपके ऊपर पर्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वजीर आजम साहब आप बताएं, कहां गया तारुल कादरी, आए जनाजा पढ़ाए इन मासूम बच्चों के वालदेन का, बताएं, तकरीरें करें लहक लहक के, आइए तमाम उलमा बताएं इनके साथ क्या जुल्म हो गया, क्या बर्बरियत होगी, किधर गए धरने देने वाले, किधर गए तकरीरें करने वाले, सानिया मॉडल टाउन बहुत बड़ा सानिया था, क्या ये कम सानिया है, क्या कराची का शारे फैसल का सानिया कम है, क्या फैक्ट्री में जो इंसान जला दिए गए सानिया कम है, या कराची में इंसानों को मार दिया गया वो सानियात कम है, हद हो गई है, कहां जाएं, खून में नहला दिया जाता है, GIT बना दे, किस चीज की GIT, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल को गिरफ्तार होना चाहिए, RPO साहिवाल को गिरफ्तार होना चाहिए, IG पंजाब को रिजाइन करना चाहिए,
सीटीडीसी के जो जो भी वहां के चीफ हैं उसको अरेस्ट होना चाहिए, और इन कुत्तों को, इन सूरों को जिन्होंने मासूम बच्चों के सामने उनके वालदैन को गोलियों से भून दिया, ऐसे तो शायद दरिंदे भी नहीं करते होंगे। आपने सबने देखा होगा एक बहुत खूबसूरत फुटेज है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं हिरन के हैं, डियर के हैं या किसी और जानवर के बच्चे हैं, वो उनकी मां जब छोड़ के कहीं दाना धुनका लेने आगे पीछे होती है, उनके लिए खुराक लेने जाती है, तो लाइन अटैक करता है, हमला करता है। शेर जिसे सब डरते हैं, सब जानवरों का बादशाह है, वो बच्चों के पास आता है और उनको छोड़ के चला जाता है। जानवर, वाइल्ड एनिमल, मासूम हिरन के बच्चों को छोड़ के जाता है। और सीटीडीसी वालों, पुलिस वालों, तुम्हारे अपने बच्चे हो, तुम्हारे साथ हो, बूढ़ी मां हो, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारी बहनें हो, और ये जो बच्चे शहीद कर, जिनके वालदैन शहीद कर दिए गए हैं, इनके अजीजों अकारब को गोलियां पकड़ा दी जाए, बंदूकें पकड़ा दी जाए, और आपको कादराबाद के चौक पे उसी टॉल प्लाजा पे खड़ा कर दिया जाए, और पहले सारे शहर को कहा जाए कि आपके ऊपर थूका जाए, आपके ऊपर फिर वहां कुत्ते छोड़े जाए आपके ऊपर, फिर आपके ऊपर किदे छोड़ी जाए, और फिर आपकी बोटियां नोच नोच दी जाए, फिर शायद ये बच्चे फिर भी इनको वो वालदैन नहीं मिल सकते। लेकिन आपके साथ सलूक ऐसा ही होना चाहिए। तो हम गुजारिश करेंगे कि जनाब अब किसको कहें। वजीर आजम साहब ने कहा हमें बड़ा रंज हुआ, ओ भाई पाक पतन में एक छोटी सी बात पे डीपीओ को उड़ा के रख दिया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भी बुलाया, तमाशा लगाया, आईजी आ जाए, फला आ जाए, बुजदार साहब आ जाए, फला आ जाए, कुछ नहीं हुआ। आसमान पे ले गए स्टोरी मौला जट की तरह, धर्म से नीचे गिराई, सब उसी तरह पे काम कर रहे हैं। वो स्वाती साहब का केस हुआ, एक आसमान भी रह गए, एक छोटे से मासूम बच्चे की गाय का चक्कर क्या हुआ, उसका सारा खान आपने जेलों में तुन दिया, जेलों में ठोंस दिया, पर्दादार खातिन को रुसवा कर दिया, स्वाती साहब क्या हुआ? उसी वक्त स्वाती के बच्चों को जेल में होना चाहिए था, स्वाती को जेल में होना चाहिए था। जनाब स्वाती साहब ने बाहर से पैगाम भेज दिया, वो बाहर है, अपनी मर्जी से आएंगे। क्या हुआ? FBR, CBR, FBI और सब काम पार। तो लिहाजा गुजार साहब, ये खून तो आपकी गर्दन पे आ गया, आप हाकमे पंजाब हैं, आप कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ओ भाई आप जिम्मेदार हैं इसके, गॉड ऑफ ऑनर लेते हैं हर बात, चीफ जस्टिस सोए बटो बताइए किसने हुक्म दिया उनको कि गोलियां चला दो, कहां था उनके पास हर चीज होमवर्क होती है कि फलां जगह पे फलां गाड़ी आ रही है, पूरी पाकिस्तान में वायरस चल जाती है, आज तो नेट का दौर है, मैसेज आ जाता है, खुफिया मैसेज आ जाते हैं, क्या प्लानिंग थी, कैसे रोकना था, कहां से फॉलो अप करना था, कैसे हुआ, मासूम बच्चों को पेट्रोल पंप पे छोड़ के आप चल दिए, ये क्या जुल्म है इमरान खान साहब, ये ऐसे बात नहीं बनेगी। इकॉनमी का खून तो पहले ही हो चुका, डॉलर ने तबाही मचा दी, महंगाई ने तबाही मचा दी, अब ये खून, ये किसकी गर्दन पे खून है, मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, तमाम हुक्मरानों ने पहन रखे हैं दस्ताने, जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म नहीं, और मैं कोई आलम नहीं, हम कोई बहुत बड़े बड़े तुरम खान और रिलीजियस स्कॉलर नहीं है, लेकिन बस्तियां बर्बाद कर दी गई, हम छोटे होते थे, आप सब भी जानते हैं कि जब बादल कहीं से भी सुर्ख बादल होता था तो सब दुआएं मांगते थे या अल्लाह खैर हो इस मुल्क के ऊपर, कोई खून हो गया है, और यहां खून में बस्ती पूरी, एक खानदान नहला दिया गया, कई खानदान नहला दिए गए, बच्चे बिलक बिलक के कह रहे हैं कि हमारे पापा को मत मारो, अंधे पुलिस वालों, सीटीडीसी वालों, साहिवाल के हुक्मरानों, कमिश्नर तुम्हें शर्म नहीं आई, RPO क्या कर रहे हो, दो मरना चाहिए तुम्हें, वो बड़े दरेर लोग हैं कादराबाद अड्डे पे खड़े हुए, जो पासर भाई थे, जो वहां के मकीम हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, उन बेचारों ने आगे आके आपका जो है आपका घनौना चेहरा, आपका गंदा चेहरा, आपका दहशत गर्दों वाला चेहरा बेनकाब कर दिया है, उन्होंने आपकी वीडियो चलाई है, आप भाग गए वहां से, वो दहशत गर्द थे तो लाशें
आप वहां से निकलेंगे कि मासूम बच्चे भिलकते रह गए, पेट्रोल पंप पे छोड़ के भाग गए। हद हो गई है ये जुल्म और बर्बरियत की, हद हो गई है ये बदकुएं, ये आहें आसमान पे जाएंगी। लिहाजा मैं इस सिलसिले में तो अब तो क्या कह सकते हैं, हुक्मरानों को क्या कहें, पंजाब के मुजार साहब गए ये कर देंगे रियासत की जिम्मेदारी। भाई आप उसी वक्त ये जो आईजी पंजाब है इसको सैक करना बनता है, चीफ जो साहिवाल की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हथकड़ियां लगनी चाहिए। पता चले खान साहब आपने नेक इरादा किया होगा, अप्रिशिएट वी अप्रिशिएट इट, आपने कहा है कि इबरत नक्श अंजाम होगा इनका, दिन नहीं ये तीन दिन का कोई चक्कर नहीं है। क्या है जो सीटीडीसी वाले हैं उन्होंने कोई जीआईटी बनानी थी बनाई थी इनको मारने के लिए, उन्होंने किसी से परमिशन नहीं दी, जिन्होंने उनको भेजा कि जाओ ये टास्क है और मार के आओ, उनको क्यों ना आप आज सभी ट्रायल कोर्ट के हवाले करें और फिर उसी चौक पे कादराबाद के हवाई जो अड्डा है, छोटा सा अड्डा है, रास्ता है, हम जब वहां से गुजरते थे जब साहिवाल जाना होता था अपने आबाई शहर में तो वहां से साहिवाल के जो टावर है टेलीफोन टावर जो एशिया का सबसे बड़ा टावर है उसकी जब रोशनी आती थी तो हमारी आंखें चमक जाती थी कि ये हमारा घर आने वाला है, हमारा शहर आने वाला है। वो नवीद सुनाता था, आज खून की बू आ गई है वहां से, आज इंसानों को कत्ल कर दिया गया है, दिन दिहाड़े दहशतगर्द करार दे दिया गया है, क्या किया जाए। तो हुक्मरानों सुन लो, ये बस्तियां जला दी गई हैं, रियासत मदीना में ऐसा हो जाता तो उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु का आप फैसला सुन लेते। खलीफा अव्वल की बात करते हो, खलीफा अव्वल तो चपड़ियों घेर के रख देते, क्या कर रहे हैं, तीन दिन इंतजार करेंगे, लाशें पड़ी हैं सड़क के ऊपर माइनस टेम्परेचर में, मासूम बच्चे, मेरा दिल कट गया, कलेजा फट गया जब ये कहा गया कि वो बच्ची जो है अरीबा जो है उसको अस्पताल से घर भेज दिया गया। कौन है घर में, कौन बैठा हुआ बताइए, कारण कादरी साहब बताइए, आइए जनाजे पढ़ाइए उनके, चीख चीख के आप कहते थे मॉडल सानिया मॉडल टाउन बहुत बड़ा सानिया, क्या ये काम नहीं है, कटाइए टिकट लाए ओ उल्मा कराम, क्या कर रहे हैं मौलाना फजल उल्मान साहब, आप क्या कर रहे हैं, आइए इनका जनाजा पढ़ाइए। हुक्मरानों न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हुक्मरानों तुम्हारी दास्तान तक नहीं होगी दास्तानों में। मैंने इसको थोड़ा सा अल्टर किया है फॉर योर लेसन, बहुत जुल्म हो गया तमाम उम्र के लिए, ये बच्चे जो हैं इनका हमें तो सारी रात वैसे नींद नहीं आई जब सोचते थे कि क्या बीता होगा, कितना दिल गुर्दे वाले हैं वो मासूम नन्हे बच्चे जो सज धज के अपने वालिदैन के साथ बैठे थे जब उनके सामने टॉप लेवल की गन्ने चली होगी, स्नाइपर्स ने फायरिंग शुरू की होगी और कुत्तों ने फायरिंग की होगी, तो बच्चे उनको तो मैं तो समझता हूं वो नन्हे फरिश्ते इतने दलेर हैं कि सामने देखते रहे और ये जालिम ये घूमते रहे, ये हिटलर के पोते, ये ग्वांतानामो बे के गार्ड्स, इन्होंने मुल्क को रुस्वा कर दिया दुनिया में। आज हमारे दुनिया में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये रियासत मदीना में ये हो रहा है, वजीर आजम मुल्क मुल्क जाके चले जैसे भी है पैसे मांग रहा है जो भी कर रहा है, हम सब जश्न मना रहे हैं, डॉलर थले गया डॉलर उतर गया पाकिस्तान ये हो गया अब रिजर्व इतने रह गए, ओ खुदा के लिए दुश्मनी इमरान खान से है, लड़ो मरो जो मर्जी करो, हुक्मरानों से रखो पाकिस्तान से तो ना रखो। पाकिस्तान अगर इकॉनमी बैठ जाएगी, एक किसी नक्शे पे मैं अक्सर कहता हूं लिखा हुआ था खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कि इफ इट डज नॉट लिव हु लिव्स, तो पैसे भीख मांग के ना लाए तो क्या करें, कर दीजिए नो कॉन्फिडेंस, हटा दीजिए, ओ भाई काम तो चलने दें, आप सब कहते हैं हम आपको गिराना नहीं चाहते तो मुल्क को तो चलने दीजिए, गिराएं आप करें दूसरा आईनी तब्दीली ले आए। तो चीफ जस्टिस साहब नए तशरीफ लाए हैं, तवक्को की जाती है सुई मोटो ना सही, लेकिन वो मॉनिटर कर रहे होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये सारी एजेंसियां मॉनिटर कर रही होंगी, ये जीआईटी ये पीआईटी ये फ्लाइंग आईटी ये टीआई ये सब फजूल हैं, एक्शन लीजिए। और वो जो आई एफआईआर जिन्होंने लिखी है जरा बताइए तो सही कि नामालूम क्या, फिर उनको नामालूम पुलिस मुकाबले में फर्क कर दीजिए,
क्यों ना मालूम, वो सीटीडीसी किसके अंडर आती है, उसके सरबरा का नामजद पर्चा उनके खिलाफ होना चाहिए। इनको इबरत का निशाना बना दीजिए, वरना आपकी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। एक छोटा सा वक्फा, हमारे अल्फाज नहीं निकल रहे, और इस वक्त चूंकि पूरी कौम खून के आंसू रो रही है, तो वजीर आजम इमरान खान आपसे तवक्को करते हैं कि ये पहला केस है आपने पाक पतन में अपने ससुराली जो एरिया है उसमें, तो जो एक्शन लिया उसमें देख लीजिए इतना बड़ा स्विमट हुआ, सब खाक हो गया। आप मानिका फैमिली के लिए फला फैमिली, ये आपके बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये खानदान हमारा मर गया, ये खानदान आपका मर गया है। बराह करम इसको, इस तरह के वाकयात पे अगर हम नोटिस नहीं लेंगे, हम एक्शन नहीं लेंगे और एक तारीखी सजा नहीं देंगे, इबरत का निशाना, इबरत का निशान और इबरत ज़दा खानदान इस खानदान को जिन्होंने मारा है सीटीजी वालों को, इनके खानदानों को इबरत का निशान बना दीजिए, कुत्ते छोड़ दीजिए इनके ऊपर, गोलियों से भून दीजिए, मत जेईटी का इंतजार कीजिए। हमें कल खबर आनी चाहिए कि वो पुलिस मुकाबले में फारग हो गए हैं, फिर भी शायद इन बच्चों के जो जख्मों का के ऊपर तो मरहम नहीं रखा जा सकता। लिहाजा रजाए इलाही है, अल्लाह ताला इन मासूमों का खुद हामी नासर हो। एक छोटा सा वक्फा और हम इस वक्फे के बाद आपके साथ हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए और इस खानदान के लिए दुआगो होजिए कि अल्लाह पाक इन बच्चों को अपनी रहमत में रखे। स्टे ट्यून, वी आर श्योर कमिंग बैक।